चौदहवें अध्याय में बात भगवान ने बताई, इदम ज्ञान उपासृत्य ममसा धर्म आगता सर्गे पिनोपजायंती प्रलय न विथंत च, कहा जो इस मेरे तत्व ज्ञान को जान जाते हो मेरे धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे धर्म को प्राप्त होने का अर्थ यह होता है सर्गे पिनोपजायंती प्रलय न विथंत च, कहा वो कर्मानुसार न तो जन्म लेते हैं और न तो मृत्यु का उनको भय होता है। तो भगवान ने कहा कि जैसे मैं अनेकों बार आता जाता रहता हूं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि इति अर्जुन, अर्जुन हम और तुम तो हजारों बार पैदा हो चुके हैं और पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन उसको मैं जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता उसको। तू क्यों नहीं जानता? इसलिए नहीं जानता कि तू आता है वो हमें पड़ जाता है, आवृत हो जाता है तेरे ऊपर, लेकिन मैं सजग रहता हूं इसलिए मैं उस सारे जन्मों को जानता और तू उसमें से एक को भी नहीं जानता। तो ये अर्जुन को भगवान ने समझाया है। तो ये चौथे अध्याय में ये मैं बता रहा था कि वो साधक जो अपनी साधना में कुछ दूर का रास्ता तय किया है, वो योग भ्रष्ट होने के पश्चात वहां से रुकने के पश्चात दूसरे जन्म में पुनः वही साधना अपनी शुरू करता है। अब आगे तत्व विज्ञान का स्वरूप क्या है ये भगवान आगे समझा रहे हैं। तो मूलतः ब्रह्म जो सत्ता है, परम सत्ता जो भगवान स्वयं बोल रहा है कृष्ण रूप में, वह परम सत्ता के अभिव्यक्ति के दो माध्यम है, दो माध्यम नहीं अच्छा उसकी अभिव्यक्ति के दो स्वरूप है ऐसे आप समझ लें। उसमें दो स्वरूप जो उसके हैं वो गुणात्मक और ज्ञानात्मक है। उस परम सत्य के दो पहलू, दो एस्पेक्ट ऐसे आप समझ लें, गुणात्मक और ज्ञानात्मक। उस परम तत्व की विवेचना करना, उसका अनुसंधान करना, उसकी अनुभूति करना ये वेदांत का विषय है। और उस परम तत्व से जो अभिव्यक्त हुआ है दो तत्व, गुणात्मक और ज्ञानात्मक, गुण और ज्ञान ये दो, इसकी मीमांसा करना, इसका विश्लेषण करना ये सांख्य का विषय है। अब यहां से प्रभु सांख्य के विषय की व्याख्या शुरू किए, क्योंकि तत्व विज्ञान का जो बोध है वो सांख्य और वेदांत से होता है। तो यहां पर सांख्य और वेदांत की यानी व्याख्या कर रहे हैं प्रभु। उस परम तत्व से दो प्रकार के तत्व अभिव्यक्त होते हैं, उस परम अव्यक्त सत्ता से। वह परम अव्यक्त सत्ता है, वो अव्यक्त है, उसका कोई अता पता नहीं, उसके विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस अव्यक्त सत्ता से दो प्रकार के तत्व अभिव्यक्त होते हैं जिनको गुण और ज्ञान कहते हैं, ये दो तत्व। तो पहले भगवान ने गुण की बात की, भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति क्या है? ये गुण का प्रकाश है। गुण जो है वो आठ रूपों में प्रकट होता है, आठ रूपों में। पहले बुद्धि, फिर अहम, फिर मन, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये उसके आठ स्तर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, अहम और बुद्धि। तो यहां पर मन, बुद्धि और अहम ये विशुद्ध हैं, और आकाश से लेकर के ये यहां तक पृथ्वी तक इसके दो भेद हो जाते हैं, अरूपी और स्वरूपी। तो आकाश का रूप नहीं है, वायु का रूप नहीं है, अग्नि से रूप शुरू होता है। अग्नि, जल और पृथ्वी ये साकार हैं, आकाश और वायु निराकार है। आकाश और वायु निराकार, अग्नि, जल और पृथ्वी साकार। साकार और निराकार से परे मन, अहम और बुद्धि है। ये मन, अहम और बुद्धि जो है ये चेतना के तीन स्तर हैं, चेतना के ये तीन स्तर हैं। लोअर स्तर मन है, उससे ऊपर अहम है, उससे ऊपर बुद्धि है। और ये जो आकाश, वायु, पृथ्वी और जल है, इनसे मिश्रित होकर के जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप में वो चेतना फिर
फिर पांच स्तर से विभक्त हो जाती है, बुद्धि अहम और मन, यहां तक तो वही रहती है। अब मनस्चेतना जो है वो नीचे स्वरूप के साथ जब संबंधित होती है तो दो रूपों में प्रकट होती है, एक कर्म इंद्रिय के रूप में, एक ज्ञान इंद्रिय के रूप में। तो ज्ञान इंद्रिय के रूप में मनस्चेतना ही प्रकट होती है, जिसको यानी सेंस चेतना कहते हैं, सेंसोर चेतना होती हो, ऐन्द्रिक चेतना, और ऐन्द्रिक चेतना के पश्चात फिर यानी शारीरिक चेतना, बॉडी कॉन्शियसनेस, सेंसेस कॉन्शियसनेस, ये दो नाम आते हो। तो सेंसेस कॉन्शियसनेस के रूप में कौन प्रकट हुआ है, यानी ऐन्द्रिक चेतना के रूप में कौन प्रकट हुआ है, मन, और शारीरिक चेतना के रूप में कौन प्रकट हुआ, मन। मन ही पहले ऐन्द्रिक चेतना में आता है, फिर शारीरिक चेतना में आ जाता है। और मन किसका प्रोजेक्शन है, अहम का, और अहम किसका प्रकाश है, बुद्धि का, बोध का, बोध मैं मेरा आगे बढ़ गया। तो जो बोध है वो बौद्धिक चेतना है, और बौद्धिक चेतना बोध होने पर फिर होता है मैं। जो मैं है ये अहम चेतना है, और अहम चेतना से आया मेरा, जो मेरा है ये मनस्चेतना है, और मनस्चेतना के बाद में फिर हम मेरे को ग्रहण करने के लिए और उसके भोग के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो जहां ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हुए वो है हमारी ऐन्द्रिक चेतना, और ऐन्द्रिक चेतना का जब हम सुख लेने लगते हैं तो शारीरिक चेतना के माध्यम से ही लेते हैं। तो शारीरिक चेतना, ऐन्द्रिक चेतना, मनस्चेतना, अहम चेतना, बौद्धिक चेतना, ये चेतना के पांच स्तर होते हैं। और ये सारे जो हैं ये पांच तो चेतना के स्तर हुए, लेकिन तीन वो मूल में है और पांच नीचे हैं जिससे शरीर और इंद्रियों का निर्माण हुआ है, ये पंच महाभूत जिसे कहते हैं। और इन पंच महाभूतों की जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इसे आप लोग समझ जाएंगे क्रमशः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय, पांच ज्ञान इंद्रियां इनको ग्रहण करने वाली, शब्द कान से, शब्द स्पर्श त्वचा से, रूप आंख से, रस जिह्वा से, गंध नाक से। ये पांचों विषय जो हैं इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, और इनके पांच अनुयायी हैं जिसको कर्म इंद्रियां कहते हैं। तो कर्म इंद्रियां जो हैं हाथ पांव मुख और दो नीचे की इंद्रियां, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं, उपस्थ और गुदा, ये पांच नीचे की यानी कर्म इंद्रियां हैं। तो पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच विषय, ये 15 हो गए। और इन पांचों के साथ पांच विषयों का स्थूल रूप जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कितने हो गए, 20 हो गए। और इन 20 से ऊपर जो है वो मनश्चेतना, अहम चेतना और बुद्धि चेतना, ये तीन ऊपर है इसके, 20 और 3 ये 23। ये जो 23 का एक जाल है, 23 का एक जो प्रसार है समझ लो, ये 23 का प्रसार किससे है, काय गुण से, उसी गुण को प्रकृति कहते हैं, वो 24वीं है, वही 24वां जो गुण है वो गुण का ये 23 प्रकार नीचे फैला हुआ है, बात समझे, और उस गुण को प्रकृति कहते हैं। तो यहां पर भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है, आठ प्रकार की प्रकृति, ये गुण की अभिव्यक्ति है, ये गुण से प्रकट होता है। और गुण जो है वो ज्ञान आश्रित है, जिसके आश्रित ये रहता है गुण वो कौन है, वो ज्ञान है, उसकी बात आगे आएगी। इसलिए इस आठों को अपरा कहा है, अपरा माने लोअर, इज द लोअर नेचर। ये लोअर नेचर गुण के आठ जो भेद हैं इनको प्रकृति क्यों कहा, इनको प्रकृति इसलिए कहा कि ये इसमें सारे प्रकृति नहीं है, तो विकृति भी है, कि बुद्धि का विकार अहम है, अहम का विकार मन है, मन का विकार आगे चल करके यानी अहम से ही ये सारे जो पैदा हुए पदार्थ हैं, ये तो विकृति है, लेकिन ये विकृति के साथ प्रकृति भी है, क्योंकि इनसे कुछ आगे पैदा होता, प्रकृति माने जिससे आगे कुछ पैदा हो, विकृति टोटल वो है जिससे आगे अब कुछ नहीं पैदा हो सकता, ये बात समझे, जिससे आगे अब कुछ पैदा होने वाला नहीं है वो विकृति, जैसे इंद्रियों से आगे कुछ पैदा होने वाला नहीं है, इंद्रियों से आगे अब कुछ पैदा होने वाला नहीं है, इसलिए ये विकृति।
आकाश से शब्द तो पैदा हुआ, इस शब्द से आगे और कुछ पैदा होने वाला नहीं है। बात समझे? तो ये आठ प्रकृति है, इसमें एक तो प्रकृति है और बाकी प्रकृति विकृति दोनों है। एक की विकृति है और दूसरे की प्रकृति है। जैसे अहंकार बुद्धि की विकृति है, मन की प्रकृति है, मन को उत्पन्न करता है। जैसे आकार, ये अहम की तो विकृति है लेकिन वायु की प्रकृति है, वायु आकाश की विकृति है लेकिन अग्नि की प्रकृति है, अग्नि वायु की विकृति है लेकिन जल की प्रकृति है, जल यानी अग्नि की विकृति है लेकिन पृथ्वी की प्रकृति है, और पृथ्वी ये जल की विकृति है लेकिन अनेक प्रकार के पदार्थों को पैदा करने के लिए प्रकृति है। जल की तो विकृति है पृथ्वी, लेकिन आगे अनेकों प्रकार के जो ऑब्जेक्ट पैदा होते हैं, विषय पैदा होते हैं, उनकी प्रकृति है। इसलिए ये आठ प्रकृति कहे गए हैं, अष्टधा प्रकृति। आठ प्रकृति नहीं है, अष्टधा। यहां पर भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भिन्न रूप से आठ प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति एक ही, आठ प्रकार से आठ रूपों में प्रकट है। समझे? एक ही रूप जब अनेक रूपों में, एक ही तत्व जब अनेक रूपों में प्रकट हो तो उसको अनेकधा कहते हैं। ऐसे ब्रह्म को, ब्रह्म के विषय में आया है उपनिषद में, सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये त्रिविधा है, त्रिविध है कौन? भोक्ता, भोग्यम, प्रेरितारम च मत्वा। अब यहां पर उसी की विवरण व्याख्या है सारी। वह पर ब्रह्म परमात्मा भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता तीन रूपों में प्रकट होता है। पर ब्रह्म परमात्मा किन रूपों में प्रकट होता है? तीन रूपों में, भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। तो ये भोग की बात कही है, ये भोग है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीयम्य भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति क्या है? भोग। ये भोग है इसका, इसलिए भोग होने के नाते ये लोअर नेचर है। अपरे अयम इतस्त्वन्याम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम। हे अर्जुन, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है, इससे अन्य मेरी परा प्रकृति को तू जान। ये अपरा प्रकृति है, लोअर नेचर है हमारी। अब मेरे हायर नेचर को तू जान। हायर नेचर आप क्या है प्रभु? तो भगवान बताते हैं, जीव भूता महाबाहे एदम धार्यते जगत। वो हायर नेचर जो हमारा है वो जीव भूता में, जीव भूता माने ये चेतन सारे, ये चेतन जो है जिसको लिए मैंने ज्ञान कहा था। परमात्मा से दो प्रकार की शक्ति प्रकट होती है, गुणात्मक और ज्ञानात्मक। तो गुणात्मक शक्ति लोअर नेचर है और ज्ञानात्मक शक्ति जो है वो हायर नेचर है। दोनों परमात्मा के नेचर है, दोनों परमात्मा का स्वभाव। स्वभाव माने स्व का भाव, स्व की अभिव्यक्ति। स्वभाव शब्द का अर्थ होता है स्व की अभिव्यक्ति, सेल्फ मैनिफेस्टेशन, अपने आप, सेल्फ प्रोजेक्शन। स्वभाव माने सेल्फ प्रोजेक्शन, सेल्फ मैनिफेस्टेशन। तो ये जो भगवान कहते हैं दोनों मेरे स्वभाव हैं। स्वभाव एक परा प्रकृति, दूसरा अपरा प्रकृति। ये प्रकृष्ट रूपेण कृति, ये हमारी अपनी अभिव्यक्ति है, हमारा ही मैनिफेस्टेशन है। तो ये लोअर मैनिफेस्टेशन है गुणात्मक, और अब हायर मैनिफेस्टेशन हमारा जो है, भगवान कह रहे हैं जो मेरी हायर नेचर है वो क्या है? जीव भूताम महाबाहो एदम धारयते जगत। ये समस्त जीव समुदाय जो इस जगत को धारण कर रहा है, जैसे शरीर है ना, तो शरीर को धारण करने वाला कोई है ना? यदि धारण करने वाला ना हो तो शरीर रहेगा, बिखर जाएगा। तो जैसे शरीर को धारण करने वाले से ही शरीर इस स्थिति में है। हाथ की जगह हाथ है, पांव की जगह पांव है, कान की जगह कान, आंख नाक, ये सारे जितने अवयव हैं सब अपने अपने जगह पर सक्रिय हैं और अलर्ट हैं। कब तक? जब तक इसको धारण करने वाला चेतन है। बात समझे? ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे इसको धारण करने वाला चेतन है तब तक अपने अपने स्थान पर सब फिट है और धारणा स्थिर है, गतिशील है और एक्टिव है। इसी रूप से इस जगत के सारे जगत को धारण करने वाले इस जगत की भी आत्मा है। समझे?
यदि वो आत्मा नहीं रहेगी तो जगत भी विलीन हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। जैसे इसमें से धारक शक्ति निकल जाए तो शरीर बिखर जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट हो जाएगी। ऐसे यदि इस ब्रह्मांड की आत्मा न हो तो ब्रह्मांड भी बिखर जाएगा। जो आकर्षण आकर्षण शक्ति के ऊपर है, आकर्षण शक्ति आएगी कहां से आके? आखिर इस गति का मूल कारण क्या है? जड़ में तो गति हो नहीं सकती, तो गति को, गति का आधार कौन है? तो जैसे आपके शरीर में गति का आधार आपका चेतन है जीव, ऐसे इस विश्व को धारण करने वाला ये विश्व का चेतन है, तो उसको भी जीव कहते हैं। जीव भूतां महाबाहो एदम धारयते जगत, वो जीव भूत है जो इस जगत को धारण करता है, वो परमात्मा की ज्ञानात्मक सत्ता है। ये बात समझे? जीव भूत जो है, जीव समुदाय जो है, ये परमात्मा की ज्ञानात्मक सत्ता है, और ज्ञानात्मक सत्ता के द्वारा ही ये गुणात्मक जगत धारण किया हुआ है, प्रतिष्ठित है, अपने जगह पर काम कर रहा है। हर एक नक्षत्र, हर एक ग्रह अपने अपने जगह पर, हर एक नेबुला अपने अपने जगह पर गतिशील है। ये किसके द्वारा गतिशील है? अपनी आत्मा के द्वारा। इसकी जो आत्मा है वही इसको गतिशील किए हुए है। जैसे हमारे इस शरीर की आत्मा है, ऐसे ये ब्रह्मांड विराट पुरुष का शरीर है, और वो विराट पुरुष की जो आत्मा है वही इसको धारण किए हुए है, और वो जीव भूता। जीव किसे कहते हैं? जीव क्या बला है? जीव कहते हैं जो जनता है। जनता माने जो प्रकट होता है, जन प्रादुर्भावे, जो प्रकट होता है। जो यदि वो अप्रगट है, कहीं प्रकट नहीं हुआ तो क्या है वो? फिर तो वो जीव नहीं है। जो अप्रगट है फिर वो तो ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जब प्रकट होता है तो उसकी संज्ञा जीव होती है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातोत्र तपस्या घूमतो पुरो, वेद कहता है कि उसे विराट प्रकट हुआ। तो विराट की आत्मा भी जीव आत्मा ही है। विराट की आत्मा जो है वो भी जीव आत्मा है, लेकिन वो नित्य जीव है। जीवों के आगे तीन भेद हैं, नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव। तो वो विराट की आत्मा वो नित्य जीव है, क्योंकि वो भी ब्रह्म से प्रकट हुआ है ना। जीव माने जन प्रादुर्भावे, जो प्रकट हो, जो जन है, प्रकट हो, प्रत्यक्ष हो, आविर्भूत हो एक सीमा में। तो इस ब्रह्मांड की भी तो सीमा है अपनी, ब्रह्मांड भी सीमाबद्ध है, असीम तो नहीं, ये भी सीमाबद्ध है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड की अनंत आत्माएं हैं, वो नित्य जीव कही जाती हैं, उनको ईश्वर भी कहते हैं। उन्हीं नित्य जीवों की संज्ञा ईश्वर भी है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो जगत को धारण करने वाली शक्ति है, जीव सत्ता जो है, जीव भूता महाबाहो एदम धारयते जगत, वो जीव भूत जो है वो मेरी परा प्रकृति है, जिसने सारे जगत को धारण कर रखा है। एक बात याद रखो, इस ब्रह्म विज्ञान में ईश्वर भी जीव है, बात समझे? ईश्वर की भी जीव संज्ञा है ब्रह्म विज्ञान में। जीव माने प्रकट हुआ, लिमिटेड। तो ईश्वर की, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर क्या है? ब्रह्मांड की आत्मा, उसको कॉस्मिक सोल कह दो, यूनिवर्सल सोल कह दो, इंडिविजुअल सोल हो यूनिवर्सल सोल। तो जब दोनों जीव है तो एक को ईश्वर एक को जीव क्यों कहते हैं? वो नित्य जीव है, और ये बद्ध जीव है। बात समझे? बद्ध जीव और वो नित्य जीव। और कुछ मुक्त जीव होते हैं जो पहले बद्ध थे, अब बद्ध नहीं है, साधन करके मुक्ति को प्राप्त हो गए, वो मुक्त जीव है, जिसके विषय में कहा ममसा धर्मागता, मेरे धर्म को प्राप्त हो गए हैं। तो ईश्वर तो न कभी जन्मता है न मरता है, वो तो प्रकट हुआ तो उसका जन्म कर दिए, और मरता इसलिए नहीं कि वो तो नित्य रूप में स्थित, इसलिए उसे नित्य जीव संज्ञा है। तो जन्म मरण के भय से मुक्त है वो। इसी रूप से जो मुक्त हो जाते हैं, जो ईश्वर की सत्ता महत्ता को समझ लेते हैं, वो भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, अब उनको जन्म मरण का भय नहीं है, वो भी फिर प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। बात समझे? अब वो कर्मानुसार चक्र में नहीं घूमते। लेकिन बद्ध जीव जो है वो बेचारा जन्मता है कर्मानुसार और मरता है। तो बद्ध जीव के विषय में बताया गया कि ये जो है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो जीव जो बद्धता है किसमें बद्धता है? काल कर्म स्वभाव और गुण,
इन चार के घेरे में माया के द्वारा प्रेरित होकर के घूमता रहता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बद्ध जीव की ये नियति है, बद्ध जीव की ये नियति है। बद्ध जीव की नियति की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने बताया कि बद्ध जीव के 5 अवयव होते हैं। 5 कौन कौन से? विद्या, कला, वासना, विद्या, कला, वासना, काल और नियति। इन 5 में ये जीव जो है चक्कर काटता रहता है। और इनके सब का कारण क्या जानते हो? विद्या। तो पूछा गया, विद्या इसके दुख का कारण क्यों हो जाती है? कहा विद्या माने या थोड़ा ज्ञान, ज्ञान जो थोड़ा सा है, थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि जीव क्या है? अल्पज्ञ है। अच्छा, ज्ञान शून्य जीव नहीं हो सकता, जीव कभी ज्ञान शून्य नहीं हो सकता। जिसे हम अज्ञानी कहते हो क्या है? अज्ञानी माने अल्प ज्ञानी, अज्ञानी माने ज्ञानाभाव नहीं, अज्ञानी माने अल्प ज्ञानी। जिसको आप कहते तो मूर्ख है, तो क्या उसमें ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। और थोड़ा ज्ञान जो होता है वो भ्रम पैदा कर देता है, इसलिए उल्टा प्रयोग होने लगता है। समझे? थोड़ा ज्ञान जो है वो भ्रम पैदा करता है, इसलिए उसका उल्टा प्रयोग होने लगता है। तो उल्टा प्रयोग में लगने के नाते वो थोड़ा ज्ञान उसके लिए खतरनाक हो जाता है। वो थोड़े ज्ञान से ही कला आती है उसमें करने की। थोड़ा ज्ञान है, क्या हुई? तो कला हुई, करने की कला आई। तो ज्ञान के बाद कला और वासना, और उस थोड़े ज्ञान से ही वासना भी जागृत होती है। ज्ञान है कि ये वस्तु अच्छी लगती है, तभी तो उसको पाने के लिए मरते हैं। तो कला और वासना ये किससे हुआ? उस थोड़े से ज्ञान से। और जब कला और वासना ये दोनों थोड़े से ज्ञान से हुए, अब उसको करने के लिए हम ताक में रहे कि अब कब करें उसको, जिससे वो मिल जाए। इसके लिए हम काल को, काल का सहारा लिए, और काल के पश्चात फिर नीति आ गई। नीति माने वो करेंगे, वो भोगेंगे। तो ये 5 चीजें लग जाती हैं जीव के साथ, विद्या, कला, काल, विद्या, कला, वासना, काल और नियति। इन 5ों के द्वारा जीव बद्धता चला जाता है, और जिससे बद्धता है उसके पास कहते हैं। इन 5ों का नाम पास है, और इन पासों में बधे होने के नाते जीव की संज्ञा है पशु। पशु जो है जीव की संज्ञा है, पास में बधा है इसलिए पशु है। और इसका जो स्वामी है परमात्मा, जो इससे मुक्त है, उसको क्या कहते हैं? पशुपति। तो परमात्मा का एक नाम है पशुपति, और इन 5ों का नाम है पास, और इसमें बधा हुआ होने के नाते जीव का नाम है पशु। पशु, पास और पशुपति, सही हो सिद्धांत में इसकी विवेचना। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि ये जो अपरा प्रकृति है ये भोग है, और ये जो पराप्रकृति जीव भूतान महाबाहो एदम धारयते जगत, ये भोगता है। आगे बताएंगे 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया है, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, पुरुष सुख दुखानाम भोग तृत्व हेतु रुचते। तो ये काल कर्म कर्तृत्व, कार्य कर्म कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, कार्य कर्म और कर्तृत्व, ये तो प्रकृति, इसका तो कारण प्रकृति है। और पुरुष ये जो जीव है सुख दुखानाम भोग तृत्व हेतु रुचते, और ये जीव है जो सुख और दुख को भोगने वाला, भोगने में हेतु बनता है। और इन दोनों का, इन दोनों का ही अभिव्यक्ति ये जगत है। तो जीव क्या हुआ? ज्ञानात्मक सत्ता। जगत क्या हुआ? गुणात्मक सत्ता। तो गुणात्मक सत्ता ये 24-23 रूपों में फैल करके जगत रूप धारण किया है, और ज्ञानात्मक सत्ता इनके माध्यम से इनका भोग कर रहा है। भोग माने अनुभूति, भोग माने एक्सपीरियंस, भोग माने और कुछ नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, भोग माने एक्सपीरियंस। तो वो जो है वो इनका एक्सपीरियंस ले रहा है, आनंद ले रहा है उसी में। फिर यदि बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो रोता है, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो खुश होता है। तो ये सुख दुख का आनंद इसी में ले रहा है, ये जीव और जगत। और जीव और जगत भगवान कह रहे ये दोनों मेरी ही प्रकृतियां हैं, एक मेरा लोअर नेचर है, दूसरी मेरी अपर नेचर है, हायर नेचर, ये प्रभु की प्रकृति है। ये तत्व विज्ञान आगे भगवान बता रहे हैं, अब जो कि कल बताएंगे आप लोगों को आगे। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं।
डायमंड देयर इज नो डिफरेंस. ये आयरन कैन चेंज इनटू गोल्ड, ए गोल्ड कैन बी चेंज इनटू आयरन. You know, it can be, because source of gold and source of iron is same, but there is some differences in gradation of that thing, that properties. Due to that, they have different form, different position. Okay? Mm-hmm. So when you will think in this way, is a gold, a silver, a stone, you know, all are a result of only this gross matter. And this gross matter is a result of liquid. And liquid is a result of gases. And gases are result of energy. So same energy is floating in every name and form. When you will think in this way, then you will realize that stone and gold and clay and iron in the, you know, inner part, they have same property, because source of all is one. In the same way, when you will think in this process, you will find that animal or insect or a creeper or a human being, all are projection of same thing, same power, same faculty, but in different gradation. In there is any, there are some higher, okay, or there are some divine, they have some, you know, finest form of that quality. But if there is some, there are some, you know, lower, there are some, as a animal, that is only lower stage, nothing else. When our consciousness act in lower stage, we get shape of animal. Same consciousness when act in higher level, some higher level than that, then we get form of human being. But when same consciousness will act in higher level, he will get form of divine. And will be birthless and deathless. And he will enjoy immortality. And for enjoying immortality, we are, you know, working hard, we are doing some practice. This is the purpose of religion, to change your humanity into divinity. This is the purpose of philosophy, purpose of religion, purpose of education, purpose of culture. Okay? But you'll find, if a person has human body, human garb, but his consciousness is not aware fully, he is acting in his lowest level of consciousness, then what will you say? You will say, he is an animal in human garb, nothing else. Sometimes you can feel that some person are worse than dog also. And you will feel that some person are, you know, worse than jackal also, sometimes, because their consciousness is working so lowest level. Naram chayiva narottamam.